जो हमारा पिछला टॉपिक था वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, किस तरह का इतिहास रहा है कपड़ों को लेकर उसके बारे में बताया गया था। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है सम्पचुरी लॉज एंड सोशल हायरार्की। मिडिवल यूरोप में क्या था कि कोई भी क्लास हो सोसाइटी की, उसके जो मेंबर्स हैं, अगर उनको जो है कपड़े पहनने हैं तो उनके लिए एक ड्रेस कोड बनाया गया था, और ये जो है लीगली लॉज के थ्रू उनके ऊपर लागू किया गया था। 1294 से लेके फ्रेंच रेवोल्यूशन तक, जो 1789 में हुआ, लोग जो थे फ्रांस के, उनको ये उम्मीद करी जाती थी कि वो लोग जो है एक लॉ है जिसका पूरी तरह से पालन करेंगे। उस लॉ का नाम था सम्पचुरी लॉज। अब ये सम्पचुरी लॉज थी क्या? ये जो लॉज थी, इससे क्या था, जिन लोगों को सामाजिक तौर पे इंफीरियर समझा जाता था, कम समझा जाता था, नीचा समझा जाता था, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। वो लोग खास तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते, बहुत कुछ खास तरीके का खाना है, पीना है, जैसे उसमें जो अल्कोहल भी आता है वो सब नहीं कर सकते, और जो एक कुछ स्पेशल एरियाज होंगे जहां पर वो लोग जो है अपना शिकार का गेम नहीं खेल सकते। तो ये जो है उनके ऊपर लॉस लगाई गई थी। मेडिवल फ्रांस में जो भी कपड़ा कोई इंसान पहनता है उसको एक नंबर जो होता है ना, कि भाई साल में आप इतने ही कपड़े खरीदेंगे, तो ये भी जो है वहां पर निर्धारित था कि एक साल के अंदर एक इंसान लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स ही परचेज कर सकता है। ये इस वजह से नहीं कि ये इनकम की बात है, नहीं, ये उसके सोशल रैंक की बात थी। इसलिए जो है वो लोग सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लोथ्स ही खरीद सकते थे। जो वो मटेरियल इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों को पहनने के लिए, उसके ऊपर भी जो है प्रॉपर लीगल प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि इसी तरह के कपड़े आप खरीद सकते हैं। जैसे जो शाही लोग थे वो बहुत महंगे कपड़े पहन सकते थे, जिसमें अरमानी आता है, फर आता है। अरमानी जो है बेसिकली एक वाइट फर होता है जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। सिल्क हो गया, वेलवेट हो गया, या ब्रोकेड हो गया। ब्रोकेड वो कपड़ा होता है जिसके ऊपर जरी का काम होता है, यानी गोल्ड और सिल्वर कलर के धागों से उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये सब जो है सिर्फ शाही लोग पहन सकते थे। बाकी और जितनी भी क्लासेस थी उनको पूरी तरीके से इस तरह के कपड़े पहनने के लिए मनाई थी, क्योंकि ये जो कपड़े थे ये सिर्फ जो एरिस्टोक्रेसी होती है, यानी जो ऊंचे पद वाले लोग हैं, शाही लोग हैं, उन्हीं के लिए ही अलाउड था। लेकिन क्या हुआ, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो उससे ये जितने भेदभाव थे ये सब खत्म हो गए। हमने शुरुआत का जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने एक बात देखी थी कि जो जेकोबियन क्लब्स थे उनके जो मेंबर्स थे वो अपने आप को सेंस कल्टोज कहते थे, और ये क्या था, ताकि अपने आप को जो एक नोबल पार्ट है उससे अलग रख सके। नोबल जो थे यानी एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग थे वो क्या करते थे, वो थोड़ा फैशनेबल नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस मतलब हो गया शॉर्ट ट्राउजर्स जो घुटनों तक होते हैं। तो ये जो सेंस कल्टोज थे इनका मतलब क्या था कि हम वो लोग हैं जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। तब से क्या हुआ कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबने जो है ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए जो काफी ढीले होते थे और काफी कंफर्टेबल होते थे। कुछ कलर्स थे फ्रांस में, जैसे ब्लू, व्हाइट और रेड, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए निशानी थी जो लोग अपने आप को देशभक्त मानते थे। कुछ और भी पॉलिटिकल सिंबल्स थे जो एक ड्रेस का हिस्सा बन गए थे, जैसे रेड कलर जो है वो लिबर्टी की कैप माना जाता था, बड़े लंबे लंबे ट्राउजर्स, या जो कॉकेड होता था जो उनके हैट के ऊपर लगा होता था। कॉकेड का मतलब हो गया जो ऐसी कैप जो एक साइड तिरछी पहनी जाती है, तो ये जो चीज लगी होती थी ये दर्शाती थी कि हम जो है काफी देशभक्त लोग हैं। और अगर आप कपड़े जो है बड़ी सादगी से पहन रहे हैं तो ये दर्शाने के लिए कि हम जो है एक समानता का विचार अपने अंदर रखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्लोथिंग एंड मोशंस ऑफ ब्यूटी। ये हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में।